एक दिन विनी वो ड्रेस पहनकर एक कॉफी शॉप में गई। उस कॉफी शॉप में जॉन भी आया था। जॉन बस विनी की तरफ ही देख रहा था और फिर वो उसके पास जाके बात करने लगा। विनी ये देखकर बहुत खुश हो गई। उस दिन दोनों ने बहुत देर तक बातें की। जॉन ने विनी का नंबर ले लिया। वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन विनी ने मना कर दिया और वो घर चली गई। अब वो लोग उस कॉफी शॉप में रोज ही मिलने लगे। जॉन अपना ज्यादातर टाइम विनी के साथ ही स्पेंड करता था। अब जॉन जेसिका पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जेसिका को जॉन पे शक होने लगा। एक दिन जेसिका ने डिसाइड किया कि वो जॉन का पीछा करेंगी। उसने जॉन को कॉल किया और बोला कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जॉन ने मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे आज पढ़ाई करनी है और वो नहीं आ सकता। असल में उसे विनी के साथ बाहर जाना था। जेसिका ने उस दिन जॉन को फॉलो किया। उसने देखा कि वो किसी लड़की से मिलने आया है। ये लड़की तो स्कूल की नहीं लगती, जेसिका ने खुद से कहा। जेसिका गुस्से से लाल हो गई थी। वो बस उन दोनों से अब बदला लेना चाहती थी। एक दिन जेसिका की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए वो स्कूल नहीं गई। उसे कुछ मेडिसिंस चाहिए थी जो उसके रूम में नहीं थी, इसलिए वो विनी के रूम में मेडिसिंस लेने गई। वो मेडिसिन ढूंढ ही रही थी तो अब उसे एक ड्रेस दिखा। ये ड्रेस विनी ने कब लिया, उसने खुद से पूछा। उसने वो ड्रेस पहन के देखी। जेसिका सब कुछ समझ गई थी और फिर गुस्से में आकर उसने वो ड्रेस जला दी। विनी घर में आई और अपनी ड्रेस ढूंढने लगी। उसे वो ड्रेस नहीं मिली। जॉन उसको मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन वो नहीं जा सकती थी। दूसरे दिन वो शॉप ढूंढने गई, लेकिन उस जगह पे कुछ भी नहीं था। अब बहुत दिन हो गए थे, वो जॉन से नहीं मिली थी। जॉन उसे मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन वो नहीं जा सकती थी। फिर उसे अचानक से याद आया कि उसने मैनेजर का नंबर ले लिया था। उसने कॉल लगाया। वो बोली, मुझे एक ड्रेस चाहिए। मैनेजर बोला, अभी ये पॉसिबल नहीं है। विनी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैनेजर उसे मिलने के लिए तैयार हो गया। मैनेजर ने उसे एक एड्रेस दिया जहाँ पे उसे मिलना था। विनी मैनेजर के बताए हुए एड्रेस पे गई। वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस रखी थी। मैनेजर बोला कि अगर तुम्हें ये ड्रेस चाहिए तो तुम्हें एक काम करना होगा। विनी रेडी भी हो गई। विनी को बस एक मशीन में जाना था और वो जैसे ही उस मशीन में गई, वो एक ड्रेस में कन्वर्ट हो गई। मैंने तो पहले कहा था ये ड्रेस स्पेशल लोगों के लिए है।